हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टूवर्ड्स सक्सेस पर। और आज हम चैप्टर करेंगे 2, जो कि है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा चैप्टर, लाइंस और रेखाएं। लाइंस पढ़ेंगे और हिंदी में कहें तो रेखाएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। चलिए फिर देखते हैं चैप्टर 2, लाइंस यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, रेखा एवं उसके प्रकार। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का मैं दूँ, तो ये चैप्टर मुश्किल से 5 मिनट का है। वो कैसे कि अगर मैं आपको एक टेबल में सारी चीज़ें समझा दूं, लाइंस बता दूं, ये रहे आपकी लाइंस, ये इनके यूज़ रहे और ये रहे इनके नाम, तो चैप्टर कंप्लीट। लेकिन अगर इसको हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन को अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा और देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर जो लाइन्स हैं किसका पार्टिकुलर क्या यूज़ है, और एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसको मैं आपको दो लेक्चर के अंदर, इसको हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसे हम कवर कर लेंगे। दो लेक्चर तो इसके लिए आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। वैसे आप इंटरनेट पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा लाइन्स यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत सारी लाइन्स आपको मिल जाएंगी और आप याद कर लो वहाँ से। लेकिन अगर हमें कंसेप्ट क्लियर करना है तो दो लेक्चर इसको आपके लिए चाहिएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हम आप देख रहे हैं लाइन, लाइन को समझने से पहले हमें समझना होगा पॉइंट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो नहीं आने वाले, लेकिन आप जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ो फिर, ठीक है। तो अब देखो, बिंदु अगर मैं आपसे बात करूं पॉइंट की, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लगा दिया, मैंने एक थोड़ा सा मैं बड़ा लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये पॉइंट आपको मैंने लगा दिया, थोड़ा रेक्टेंगुलर हो गया लेकिन ये गोल है, ठीक है, ये आपको देखना है। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, वो क्या है कि ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या थिकनेस नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं बिंदु, उसे कहते हैं पॉइंट। अगर ऐसे ही हम बहुत सारे बिंदु लगा दें, इन्फिनिट बिंदु लगा दें, अनंत बिंदु लगा दें, और उनको सब आपस में एक जोड़ दें, इतने बिंदु लगा दें कि उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए, तो वो एक निर्माण करेंगे लाइन का। किसका निर्माण करेंगे? वो करेंगे निर्माण लाइन का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिंदुओं से, इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और बिंदु क्या होती है? एक डायमेंशन लेस पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं बिंदु। उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई उसकी मोटाई नहीं होती। तो ये आप समझ गए कि लाइन किसको कहते हैं? बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर जो बनती है उसे हम कहते हैं लाइन कहते हैं, ठीक है। अब एक बार लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन, अब बिंदु तो होती है बिना कोई डायमेंशन की, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन लाइन की क्या डायमेंशन होती है? वन डायमेंशनल फिगर होता है और एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, अनंत तक आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन है एक छोटी सी लाइन की, जो आपको याद रखनी है अपने दैनिक जीवन में। किसी कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बता दें। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपको जो हमें लाइन पढ़ाऊंगा आगे चलकर, उसमें दो वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक मिलेगा थिक, एक मिलेगा थिन, ठीक है, एक मिलेगा थिक, एक मिलेगा थिन। तो इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थिक किसको बोलते हैं, थिन किसको बोलते हैं, राइट। अब देखो, मैंने थिक को थोड़ा सा थिक बनाया है, यानी कि थोड़ा सा मोटा बनाया है, और थिन को थोड़ा सा पतला बनाया है। यहाँ लिखने में भी मैंने इनको दोनों में कंसेप्ट लगाया है। अब यहाँ पर देखेंगे, थिक थोड़ा सा मैंने डार्क किया हुआ है और थिन थोड़ा सा लाइट है। तो थिक मोटा होता है और थिन होता है पतला। तो अब इसको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में आपको मैं समझाऊं, तो दो तरह की लाइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में उनके जो शेप होती है उनके आकार पर होती है। एक होती है थिक, थिक क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो ये लाइन जो बनेगी, ये लाइन बनेगी थिक लाइन, ठीक है, थिक लाइन होगी। ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ये थिक लाइन है। और एक जो सिंपल ये लाइन होगी, ये होगी थिन लाइन। तो ये थिक और ये थिन। अब थोड़ा सा और चीज़ समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये जो इनका रेशियो होता है इनकी थिकनेस का, वो कितना होता है? अगर ये हमने 2 mm वाइड लें, अगर हम इसको 2 mm लें, 2 mm mm में होती है सारी ड्राइंग के अंदर जो मेजरमेंट होता है, और इसको हम कितना लेना होगा फिर 1 mm। यानी कि थिक और थिन का अगर हम रेशियो की बात कर लें, तो थिक अगर आप वन, थिन अगर आप 1 रख रहे हैं, 1 mm की लाइन रख रहे हैं, तो आपको थिक कितनी रखी होगी? 2। पता लगा आपने दोनों ही ये लाइन खींच दी और बोल रहे हैं कि ये भाई मेरी तो थिक है और ये वाली जो है थिन है। तो
तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इनमें अंतर रखना होगा, और कितना अंतर है जनरली इतना आप रखते हैं। और ये अगर इनकी वैसे ठीक का मतलब क्या हुआ, मोटा। अगर आपसे मैं नॉर्मली एग्जाम्पल से पूछूँ कि आप मोटे हैं कि पतले हैं, मोटे हैं या पतले हैं, मैं आपसे पूछूं तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे कि मैं मोटा हूं या पतला हूं। आप एक स्टैंडर्ड जो भी मनुष्य होते हैं उनसे कंपेयर करेंगे अपने आप को कि भाई एक जो नॉर्मल आदमी होता है उससे मैं मोटा हूं या पतला हूं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंपेरिजन से आप मोटा या पतला किसी को कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि थिक और थिन हम किसको कह रहे हैं, जो हमारी पतली लाइन है उसकी अपेक्षा डबल हम कह सकते हैं मोटी जो होती है उनको हम थिक लाइन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। आगे आने वाले जो लाइन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होगा, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट है थिक और थिन का ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। तो अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यहीं से बनेगा, टाइप्स ऑफ लाइन्स। और जो हमने पीछे देखा था, एक बार इसको देख लेते हैं, हमने जो पीछे ये देखा था ये 2:1 के रेशियो में होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो थिक और थिन का रेशियो होता है वो किस अनुपात में होती हैं। तो ये होती हैं 2:1 के अनुपात में। अगर हिंदी में, अगर हिंदी वाले इसको लिखना चाहें तो मोटा और पतला आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो लाइंस के जो ग्रुप होते हैं वो टैन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टैन इनके ग्रुप होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी अलग अलग तरह की लाइंस होती हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ ये ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप ये आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई नहीं होता है, सीधा जे होता है, के होता है। आई क्यों नहीं होता है ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टैन होते हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए ग्रुप को, यानी कि ए ग्रुप में क्या होता है, कंटिन्यूअसली थिक लाइन होती है, यानी कि हिंदी में कहें तो सतत मोटी रेखा इसका नाम है। ठीक है, ए के अंदर ज़्यादा होते नहीं है ये, मतलब ए की तरह की होती हैं। आगे आप बी में पढ़ेंगे तो बी में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आप ए को याद रखेंगे, ये सिर्फ कंटिन्यूअसली थिक लाइन होती है, सतत मोटी रेखा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसका यूज कहाँ पर होता है वो चीज़ देख लेते हैं। दिखने में होती है ऐसी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार खींचेगी, और आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस है ये, ठीक है, ठीक मैंने आपको क्लियर कर दिया। और सतत हिंदी में इसको बोलते हैं, या लगातार मोटी रेखा। अब ये देखो ये कहाँ पर यूज होती है, किन चीज़ों को दर्शाने के लिए, विजिबल आउटलाइन और विजिबल एज। मतलब आप अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करें आपकी डेली लाइफ में, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको जो आपको बाहर वाली लाइन दिखाई देंगी वो क्या होती हैं, विजिबल आउटलाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट आप फोन अपना लेंगे तो अगर आप उसका फोन का चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, रेक्टेंगुलर होगा। और ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं हम विजिबल आउटलाइन। जो इसके अंदर वाली हैं वो आपको नहीं दिखती हैं, वे लाइंस कौन सी होती हैं उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ ये किस तरह से दिखता है। अब इस क्यूब को देखिए, अब जब हम क्यूब को देखते हैं जो ये बाहर वाली लाइन हमें दिखती हैं, ये एज हमें जो दिखती हैं विजिबल एज, इसको अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये वाली जो लाइन होती हैं, ये बाहर वाली लाइन जो मोटी होती हैं, मोटी हम इनको बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन, सतत मोटी रेखा। और ये कैसी होती हैं, विजिबल आउटलाइन इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है दूसरा, विजिबल आउटलाइन। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विजिबल आउटलाइन कौन सी होती है, और आपको फिगर दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से विजिबल आउटलाइन कौन सी है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। जो बाहर से दिखती हैं उनको कहते हैं विजिबल आउटलाइन, और उनको किन से दर्शाता है, हम दर्शाते हैं उनको कंटिन्यूअस थिक लाइन, यानी कि सतत मोटी रेखा से। अब बात कर लेते हैं बी की। अब बी में जो ग्रुप होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, और बी की अगर लाइन की बात करें तो ये है कंटिन्यूअस थिन लाइन, सतत पतली रेखा। पतली रेखा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस पतली रेखा है। और बी के ग्रुप की बात करें तो ये मेनली 9 ग्रुप में डिवाइड होती है। अब हर एक ग्रुप को हम अलग अलग पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, हम बी वन की बात करते हैं। बी वन क्या होता है, डायमेंशन लाइन होती है। इसका नाम क्या है बी वन का, बी वन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन, या हिंदी में कहे तो आयाम रेखा या विमांकन रेखा। क्या बोलते हैं, आयाम रेखा या विमांकन रेखा। और इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं वो ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। आप इसकी शेप पर मत जाइए, थोड़ा सा डार्क लग सकती है आपको इसके मुकाबले, बस आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा है वो सत्य है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए, थोड़ा सा विजिबल रखने के लिए इसको मोटा रखा गया है।
बाकी ये क्या होती है, ये थिन होती हैं। ये सब अब B1 के जितने भी, B के अंदर जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या होंगी, थिन होंगी, क्योंकि इसका नाम शुरू में क्या है, जो ग्रुप है कंटिन्यूअस थिन लाइन, तो सारी कंटिन्यूअस होंगी और थिन होंगी, ये तो आप याद रखेंगे। अब इनके अलग अलग नाम क्या है वो हम यहाँ पर देखते चलेंगे और इनका कहाँ कहाँ पर यूज है वो भी हम देखते चलेंगे। तो डायमेंशन लाइन आप यहाँ ने देख लिया, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन दिखानी है, ये मान लेते हैं ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी कितनी लंबाई है ये हमें दिखानी है, तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके की एक लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं जो भी उसकी डायमेंशन होती है, राइट। अब देखते हैं कुछ और भी हैं आगे, जब दो तीन लाइन आपस में मिल जाएंगी तो और ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लीडर लाइन, B2 का नाम होता है लीडर लाइन और हिंदी में कहते हैं इसे सूचक रेखा। तो लीडर मतलब जो लीड करता है। अब देखो इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी, अब यहाँ पर आप देखोगे ये एक फिगर है, थोड़ा सा ये गंदा बन गया, बस आपको क्या देखना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो देखना है। अब देखिए ये एक फिगर था हमारा इस तरीके से और इसके अंदर एक होल बनाया या हमने एक सर्कल बनाया ड्राइंग के अंदर। अब इस ड्राइंग को हमें, अब अगर हम ड्राइंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें लिखने लगेंगे कि इसकी विमा कितनी है, इसकी माप कितनी है, तो ड्राइंग के अंदर बहुत सारा स्पेस हमारा यूज जो करने वाला है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लीडर लाइन यानी कि यहाँ से हम इसको उठाकर वहाँ लेकर जाते हैं और फिर ऐसे इसको कर देते हैं, इसको बोलते हैं लीडर लाइन। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जैक्ट फिगर, मतलब ये वाली जो लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल चलती है और फिर आउटलाइन के अंदर जाकर जो हमें दिखाना होता है उसको हम दिखाते हैं और उसके ऊपर हम लिख देते हैं उसकी माप जो होती है, जैसे इस सर्कल की डायमीटर कितना है, डायमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो रिप्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे, ये होता है डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका 20, यानी कि 20 mm का डायमीटर है, हमने यहाँ पर अंदर ना दिखा के ड्राइंग शीट के बाहर दिखा दिया। और ये एंगल जो बात करें, एंगल एंगल जो हम लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से जो इसका एंगल होता है वो 45 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक चीज़ और आपको बारीक वाली चीज़ बता रहा हूँ, आपको क्या याद रखना है कि कई बार जब हम इसको दिखाते हैं तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर आप पॉइंट लगाइए, जब आउटलाइन के अंदर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु करके दिखाइए, और जब आउटलाइन पर दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिखाना होता तो हम कैसे दिखाते, एक इस तरीके से आउटलाइन पर दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर एरो बनाएं। और दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर आप डायमेंशन लाइन को दिखा रहे हैं, जैसे ये डायमेंशन लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ना तो आप एरो लगाएंगे और ना ही आप यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, तो यहाँ पर आप सीधे ऐसे ले जाकर जो कि कितने कोण पर होगा, 45 के कोण पर होगा क्षैतिज से, और फिर जाकर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए और जो इसकी माप है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है ये लीडर लाइन क्या होती है और इसका एंगल कितना होता है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा बिंदु या फिर एरो ना मिले तो आप इनमें से अगर कोई सा मिले तो उसको राइट समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं इतने स्टैंडर्ड पर ना बनकर छोटे लेवल पर बनती है, तो फिर आप बिंदु या एरो जो भी मिले वो सही हो जाएगा उसका आंसर। आपको बिंदु या एरो में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि अगर हमें बिंदु नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको नहीं लगाएंगे, अगर आपको एरो मिलता है तो एरो भी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं उसमें। अगर दोनों मिल जाए तो फिर आप देख लेना जो मैंने आपको बताया वही सही होंगे, बाहर लगा है तो आउटलाइन वाले दिखाना तो बाहर लगाना है और अंदर लगाना है तो बिंदु लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं B3 जो लाइन है वो है एक्सटेंशन लाइन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विस्तारित रेखा। एक्सटेंशन लाइन का जो यूज क्या होता है, जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, अभी हमने जो पीछे पढ़ी डायमेंशन लाइन, इसको एक इसकी जो पोजीशन होती है इसको फिक्स करने के लिए यूज में लाया जा सकता है। जैसे अब हम अगर बात करें एरो लाइंस की, तो ये इधर भी थोड़ी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ सर फिक्स कर दें कि अब ये क्या शो कर रहा है कि ना तो ये इधर जा सकती है और ना ही इधर जा सकती है, ये बिल्कुल फिक्स है डायमेंशन जो भी है। तो ये देखें आप डायमेंशन लाइन यहाँ पर 84 है, ठीक है, तो हमने इसके आगे एक एक्सटेंशन लाइन लगा दी है, इसे क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन लाइन लगा दी है जो ये बताती है कि जो डिस्टेंस है, जो डायमेंशन है, वो यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि एक्सटेंशन लाइन जस्ट आउटसाइड लगनी चाहिए डायमेंशन लाइन के। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल नैरो जो एरो है हमारा उसके जस्ट बाहर है ये, ना कि इसके थोड़े से भी अंदर। आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आप जैसे एरो है और मैं यहाँ पर इसको लगा दूँ और मैं ये कह दूँ कि ये एक्सटेंशन लाइन है, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, बिल्कुल एट द एंड लगनी चाहिए एक्सटेंशन लाइन, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे आपको क्या इसमें ध्यान रखना होता है, गैप का। ये आउटलाइन है हमारी और ये डायमेंशन लाइन है,
तो इनके बीच में जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन आप यहाँ पर देखिए, ये एक्सटेंशन लाइन और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी आउटलाइन ये दिख आपको रही है, इनके बीच में गैप होना चाहिए और ये 2 mm का मिनिमम, 2 mm से 3 mm तक होना चाहिए, राइट। 2 mm से 3 mm तक का गैप होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने की कुछ बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इमेजिनरी हिंदी में लिखेंगे आप इसको, काल्पनिक रेखा ऑफ इंटरसेक्शन, कटान की काल्पनिक रेखा आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक रेयर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताता हूँ, किस तरह की जो इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो कैसी होती है। ये देखिए, आपने पृथ्वी का मैप अगर कभी देखा होगा, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ये वाली चीज़ें होती हैं गोल वाली, इन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और जो खड़े वाले होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब ये यहाँ पर कट करते हैं, कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, तो एक बात बताइए, हम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, हमारा देश भी इस पृथ्वी के ऊपर ही है, तो क्या आपके घर से, आपके आसपास से कोई लाइन जा रही है जहाँ पर आप ये कह सकें कि ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं ना। तो ये लाइन हमने कल्पना की है, इमेजिन किया है कि ये लाइन यहाँ पर कट कर रही होंगी, ये काल्पनिक है, एक्चुअल में नहीं होती, तो ये इमेजिनरी लाइन को दर्शाने के लिए इंजीनियरिंग में यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये भी एक ड्राइंग ही है, ड्राइंग का पार्ट है ये भी, जो हम पृथ्वी का नक्शा बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पर काटते हैं उसे हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं एक नई लाइन की, वो है हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। चलो ये देखते हैं हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन। और हाँ, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखो हमारा और आपका जो इन कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो ये है कि मैं आपको वीडियो दे देता हूँ और आप उसको देख लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम आप डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे होते तो आपसे पूछ सकते थे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता देते कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मुझे भी आगे, तो चलो आगे चलते हैं। अब अगर आपसे पूछना है तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि हमको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसा हमारा पार्ट आएगा आपको कमेंट लूँगा वहाँ पर, और आपको फिर से वो चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। अब यह है हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। हैचिंग का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है ये मैं हिंदी में नहीं देख पाया इसको, तो आप देख लेना इसकी हिंदी क्या होती है हैचिंग की, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। अब आप पहले इस फिगर को मत देखिए, इस फिगर को नहीं देखेंगे आप, अब देखेंगे इस वाले फिगर को, ठीक है। इस फिगर पर एक लुक लीजिए जल्दी से। चलिए आप, अब मैं बताता हूँ ये हैचिंग प्रक्रिया होती क्या है। आपने ये फिगर देख लिया, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर आ जाइए, अब आप इसको फिगर को देखेंगे। अब आप ये फिगर देख लिया तो क्या आप बता सकते हैं, मैंने आपको ये वाला फिगर नहीं दिखाया, आप ये इमेजिन करेंगे, मैंने आपको ये वाला फिगर नहीं दिखाया, मैंने आपको दिखाया सिर्फ ये वाला फिगर, तो आप सोच सकते थे क्या आपसे पहले कि ये वाला जो फिगर है, ये वाली जो बॉडी है वो इस तरह की रही होगी, सोच सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया ही ये था, आपको क्या पता कि ये कितना बड़ा था या कितना छोटा था। यानी कि मैंने इसको क्या किया है, मैंने बड़े वाले पार्ट से इसको काट दिया है, ठीक है, मैंने जो बड़े वाला पार्ट था हमारा उसको काट दिया है और ये छोटा बना दिया है। तो इस क्रिया को दर्शाने के लिए कि हमने कटा हुआ पीस है ये हमारा, तो उसको दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइंस। अब देखो ये जो हमारा ओरिजिनल था, ठीक है, ओरिजिनल था, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया है, तो अब ये कट करने के बाद में ये वाला आ गया। अगर आपको मैं पहले से ये दिखा रहा था तो आपको पता कैसे चलेगा कटा हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं क्रो, ये सेक्शन लाइन होती है, ये सेक्शन लाइन है। आप नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो इसको आप सही से खींचेंगे, ये दिखाने के लिए किसको होती है कि ये यहाँ पर जो एरिया है ये कटा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल से जो यहाँ पर एंगल बनाती हैं ये 45 के एंगल पर खींची जाती हैं, 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती हैं, और एक दूसरे के बीच में जो गैप होता है वो भी कितना होता है, 2 mm से, 1 mm भी ले सकते हैं या फिर 2 mm ले सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा सभी में इक्वल होगा। हैचिंग प्रक्रिया समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, आउटलाइन ऑफ रिवोल्व्ड सेक्शन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बाहरी, मतलब बाहरी वाला, बाहर वाला, बाहरी वेट नहीं है, बाहरी, बाहरी वाला, ये बाहरी घुमावदार सेक्शन को अगर हमें दर्शाना है तो वो किस तरीके से हम दर्शाते हैं, तो दर्शाते हैं
जैसे कि हम पढ़ रहे हैं थिन लाइन, तो थिन लाइन से दर्शाते हैं, घुमावदार थिन लाइन से। अब आप यहाँ पर देखेंगे रिवॉल्व सेक्शन, ये जो रिवॉल्व सेक्शन है यहाँ पर, ये हम दर्शाएंगे पतली लाइन से, यानी कि थिन लाइन से हम इसको दर्शाएंगे, और इसी को कहते हैं हम रिवॉल्व सेक्शन आउटलाइन लाइन, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन, यानी कि छोटी केंद्रक रेखा, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो छोटी केंद्रक रेखा से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एक होती है सेंटर लाइन, वो हमारा अलग टाइप है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सेंटर लाइन जो है वो बी के अंदर नहीं आती है। बी के अंदर कौन सी आती है? शॉर्ट सेंटर लाइन, छोटी केंद्रक रेखा, बी का 7 का पार्ट है। लेकिन अगर हम नॉर्मल केंद्रक रेखा की बात कर रहे हैं, वो अलग टाइप है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको पहले मैं बताऊं, जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन आप यहाँ पर देखेंगे, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। आप यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे, एक बड़ा डैश होता है, फिर छोटा डैश होता है, बड़ा डैश होता है, छोटा डैश होता है, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि भाई उसमें एक छोटा और एक बड़ा लगाने में वो बाहर चला जाएगा, मतलब नहीं लगा सकते एक छोटा और बड़ा, इतना स्पेस ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और एक लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज के रूप में खींच देते हैं, और इन्हीं दो लाइनों को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेंटर लाइन। ठीक है, शॉर्ट सेंटर लाइन इन्हीं को बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, उसको अंदर हमें दर्शाना है केंद्रक लाइन, तो उसके अंदर हम शॉर्ट सेंटर थिन लाइन यूज करते हैं दर्शाने के लिए। सेंटर लाइन हम अलग से पढ़ेंगे, तो आप इसको यहाँ पर अभी नहीं समझेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि ये गैप कितना होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, सारी आगे पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है बी एट, जिसको हम कहते हैं डायगनल लाइन, विकर्ण रेखा, बिल्कुल सिंपल है, जो विकर्ण को दर्शाने के लिए यूज में लाई जाएंगी उनको विकर्ण रेखा कहेंगे। ये तो एकदम सिंपल है, जैसे आयत है, आयत के विकर्ण है, विकर्ण को हम दर्शाने के लिए जो यूज में लेते हैं ये वाली लाइन, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे विकर्ण रेखा। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इनको विकर्ण रेखा बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी नाइन, ये आखिरी टाइप है बी नाइन का बी पार्ट का। अब ये है थर्ड थ्रेड लाइन, यानी कि चूड़ी जो काटते हैं हम, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बोल्ट, ये एक हेक्सागोनल बोल्ट है जिसके अंदर थ्रेडिंग की गई है, और ये थ्रेडिंग की लेंथ है जो हमने डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन का यूज करके दिखा दी है कि ये वाली लाइन है। लेकिन अगर हमें इसे अपने ड्राइंग में दिखाना है तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, तो ये वाला फिगर वो उसके लिए बना दिया है मैंने कि आपको किस तरीके से वो दिखाई जाएंगी। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये जो हमने पीछे देखा था जहाँ पर वो चूड़ियाँ कट रही थी, यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे जहाँ से चूड़ी स्टार्ट होती है वहाँ पर ऐसे बनाते हैं, और उसको फिर सीधे हॉरिजॉन्टली खींचते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड में दिखाते हैं, और ये भी कितने एंगल पर हो सकता है, 45 पर। ठीक है, 45 पर, और ये जो लाइन होती है जहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मिनिमम थ्रेड यानी कि फुल थ्रेड होती है, यहाँ तक फुल थ्रेड होंगी, उसके बाद में आपने देखा होगा बोल्ट पर फिर धीरे 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 कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वहाँ से फिर मैक्सिमम थ्रेड, और या उसको कहेंगे रन ऑफ रन आउट, जहाँ पर मतलब रन करना वो खत्म करता है धीरे धीरे, उसको रन आउट बोलते हैं, ये उसका मैग्नीफिकेशन है। तो इस वीडियो को चलो यहीं पर रोकते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो अगले जो वीडियो है उसमें हम सारे जो हमारी लाइंस बची हुई हैं उनको कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि और एनर्जी के साथ आपसे मैं पढ़ा सकूं, और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।